आज निकलना है, अभी पैकिंग हो रही है हमारी। ये लड़का परेशान कर रहा है मुझे। अरे भगवान, बस करो, उठ जाओ। अभी आ गए भाई, पैकिंग वैकिंग सब डन, सेट सब हो गया। कहाँ जा रहे हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? लंदन। आप नहीं आ रहे? आप नहीं आ रहे? अरे टिकट का पहले बजट नहीं था हमारा, दो ही लोग का बजट था। मैं और कोको सब जा रहे लंदन। ये बात में आई हमारे साथ। हम लोग रेडी हो गए हैं और हम निकलने वाले हैं उधमपुर के लिए। लंदन ये जाएंगे, उधमपुर हम जाएंगे, है ना। सो अब फटाफट सब काम कर दिया है, है ना कोको, तुम फिनिश कर, चली मिलते हैं आप लोगों से। लड़का रेडी है और मैं अपने कंफर्ट ड्रेस में रेडी हूँ। पति देव आए थे, लंच खा के चले गए हैं और ऑफिस से वापस कॉल आया कुछ काम के लिए, तो वो गए हैं। तब तक मैं भी अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे उधमपुर के लिए। अभी ये मुझे बेड भी सही करना है, बाकी सब कुछ घर सेट करके जा रही हूँ। फिर उधमपुर से हम जाएंगे, आज स्टे करेंगे, फिर उसके बाद कल हम जम्मू जाएंगे उधमपुर से। और क्यों, तब तक जरूर कमेंट करके बताना, आप लोग गैस करना कि मैं क्यों उधमपुर जा रही हूँ, फिर उधमपुर से मैं जम्मू जा रही हूँ, है ना। मिलते हैं। देख रहे हो, ये आदमी के लिए उसके पिताश्री ले आए थे, मैंने वहां पे टांग दिया क्योंकि ये ना गोली मार रहा है। पतिदेव परसों पतिदेव लेके आए थे इसके लिए, वो विद बुलेट्स आते ना जो छोटे छोटे, लेकिन इसमें जो थर्मोफोम के बुलेट्स आते विच इज फाइन, एंड वो खेल रहा था ज्यादा कि तोड़ देता इसके लिए, इसलिए उदा गए। हमने एक गणेशा यहाँ सेट कर दिया क्योंकि शिव पार्वती के साथ एक गणेशा थे, तो एक भगवान की दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो हमने वहां से उठा के यहाँ पे एक गणेशा रख दिया है। भाई साहब की पूजा चल रही है। अच्छा, निकलने से पहले पूजा पाठ करके निकलेंगे ना। और ये मेरा कम्फर्ट ड्रेस है क्योंकि एकदम ढीला ड्रेस है ना, तो मुझे पसंद है। आप लोग भी सोचते हो मेरे पास एक ही कपड़े है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, बट ये मेरा कम्फर्ट ड्रेस है और ये आपको कुछ लंबे समय तक के लिए दिखेगा। एकदम रेडी हो गए, पूरा बेड वेड सही कर दिया है भाई। कोको और कोको की मम्मा यानी कि मैं, हम लोग बस पतिदेव का वेट कर रहे हैं। डेढ़ बज गया है, आई थिंक 1:40 हो गया है और आज तो कम से कम धूप है, लाइट है। बाय गाइस, कल रात से यहाँ पर ही नहीं है, इस वजह से बर्तन नहीं धुला गया है, बाकी सारे काम हो गए हैं और बस इंतजार है पतिदेव आ जाए। हमें जल्द से जल्द निकलना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि पहुंचते पहुंचते तक रात हो जाए और फॉग हो जाए, इस वजह से हम दोपहर में निकल रहे हैं। अदरवाइज हम कल ही निकलते डायरेक्ट जम्मू के लिए, अगर ये ठंड वाला सीजन नहीं होता तो। एक मिनट, क्या है यार। सो यस बेबी, ही सेइंग बाय गणेशा। सो यार यही है कहानी, और क्यों जा रहे हैं आप लोग अभी तक गेस नहीं किए, मैं बताऊंगी, मैं रास्ते बताऊंगी, उधमपुर पहुंच के बताऊंगी कि जम्मू क्यों जा रहे हैं, है ना। फिर जम्मू पहुंच के बताऊंगी कि हम जम्मू क्यों आए हैं, ठीक है। चलो पतिदेव तो आ गए हैं, बट मैं सोच रही हूँ इस बालों का प्लेट्स बना लूं क्योंकि मेरे बाल में बहुत उलझ जाते हैं, सो मैं जल्दी जल्दी प्लेट्स बना लेती हूँ। वो 5 मिनट ऊपर अभी आ जाएंगे। तो 3:10 हो गया निकलते निकलते, क्या ही बोलूं पतिदेव को, लेट करा दिया। बाय घर बेबी, बाय बाय घर से, बाय बाय घर, मिलते हैं अब आप लोगों को जल्दी ही। ऑन द वे, लेट्स गो, लेट्स गो पापा। हम लोग बनिहाल टनल के पास पहुंच गए हैं, अभी पीछे मैं बैठ गई हूँ आराम से, फैल के हम लोग बैठ गए हैं। मैं कोको, पिताश्री कोको के रेस्ट मार रहे हैं क्योंकि एक टनल है ना, ये बहुत लंबा टनल है तो इसमें रेस्ट नहीं कर सकते। देखो इधर लिखा हुआ ना, और पहाड़ देखो इधर, जैसे पतिदेव सोचे कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ फिर चलाता हूँ। 5 बजे में 10 मिनट बाकी है, यानी कि 4:50 हो रहा है और अभी हमने हाफ वे भी कम्प्लीट नहीं किया है। बट हाफ कैसे कंप्लीट करेंगे हम, 3:15 पे रोड स्टार्ट किए थे। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, और हम डायरेक्ट ना जम्मू तक का प्लान किए हैं जाने का। लेट्स सी जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे, फिर वहां पे देखते हैं क्या करना है। काएक्स एक्स, चलो लेट जाओ बाबू, लेट जाओ, लो लो लगा के इधर सुला, सो जाओ लल्लो। चालीस हो रहा है यहाँ, मैंने काम किया और फिर उसके बाद ये ढाबा देखने गए हैं पतिदेव,
अगर इनको कुछ खाने को मिल जाता है तो। कोको यहाँ सो रहा है, आप लोगों को इतना दिख रही नहीं होंगी क्योंकि लाइट नहीं है और 6:40 हो गया है। और ये जो रोड है ना, हाईवे मेन वाला जो दूसरा रोड होता है ना, बंद था, तो इस वजह से हमको इस रोड पे आना पड़ रहा है। और मुझे ये रोड बिल्कुल नहीं पसंद, और हम डायरेक्ट जम्मू जा रहे हैं, उधमपुर में ही आ रहे हैं। हाँ मतलब हॉल्ट नहीं लेंगे, विल गो डायरेक्टली टू जम्मू और वहाँ पर जाके देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को अपडेट देते हैं, मुझे देखते हैं। पाजी देखो कब से मैगी खाने की क्रेविंग हो रही थी, इस वजह से बहुत जगह हम रुके नहीं, तो यहाँ पे तुमको मैगी मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इज लाइक नहीं मुझे 2 ही चम्मच खाना है, बट मुझे मैगी खाना है। इनके तो अलग ही नखरे हैं, मैं क्या बताऊँ। दोनों रोज ठंड लेकिन कम है कंपेरेटिवली उधर से, है ना। चलो भाई कोको जब तक सो रहा है तब तक तो सो रहा है, और हाईवे ये वाला हाईवे मुझे पसंद नहीं है भाई। तो चलो मिलते हैं, कोको सो रहा है इसलिए हम गाड़ी नहीं खाएंगे। चाय ये सब्जी भी है और पराठा भी। तो हमारे पास मैगी है, सब पराठा सब्जी, चाय लेने गए। कोको सो रहा है ना इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, बट टिकट चाय रखोगे। रुको पकड़ रुको रुको गाइस, हम जम्मू पहुंच गए, हम उधमपुर नहीं रुके। हमने सोचा कि हम उधमपुर स्टे लेंगे, बट देन एक छोटा सा होटल हम ले लिया इधर जम्मू में, पहुंच गए हैं। अभी बज रहा है 11, बट एटलीस्ट अब हम क्या करेंगे, हमने इधर नॉर्मल सा ही होटल ले लिया है, जो दिखा ले लिया है, और डिसेंट सा है, मतलब कुछ नहीं है, सोने के लिए ठीक है, लाइट हाँ ठीक है, सब कुछ है। यहाँ का किचन बंद हो चुका है तो पति देव गए हैं, जिस बगल में ही इधर रेस्टोरेंट है एक दो, तो उधर से खाना लेने आने के लिए, डिनर लेने के लिए। सो हम लोग अब डिनर करेंगे और उसके बाद जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह हमें उठना है, और फिर आज के वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा हम जम्मू क्यों आए, क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया ना, तो तब तक आप लोग गेस करो कि हम क्यों आए हुए जम्मू। और मैं आप लोगों को कल एक चीज दिखाऊंगी कि जम्मू में हम कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, और नेक्स्ट प्लान क्या है। ओके सब कोको गुरु को दिखा दियो। हाय गाइस, कोको आर यू हंग्री? बेचारा थक गया है, थोड़ा सा जैकेट वैकेट निकालेंगे। इधर गर्मी मतलब ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बट देन ठीक है, जैकेट निकाला जा सकता है। और बस अब आएगा तो घर। हाँ बेबी बेल नहीं बजाना है तुमको, थोड़ी ना बजाना है। नो वो बेल बजा रहा है रूम सर्विस के लिए, नहीं तो रूम सर्विस चाहिए भाई साहब को। सो गाइज ट्रिप अब बहुत ही हैटिक हो गया है मेरा, तो क्या बताऊँ, पूरा अलग ही ड्रामा चल रहा है, ड्रामा सर्विस बुलाने बाद। सो पतिदेव आएंगे, खाना खाएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन अपना ख्याल रखे, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड क्या होगा कमेंट क्या आपको हमारा ब्लॉग के साथ, ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, टिल देन टाटा बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, आज न्यूज़ नहीं बताऊंगी, क्यों बताऊंगी, बाय बाय बाय। खींची दे फैन खींची दे सबको, विंक विंक सबको विंक कर रहा है। अच्छा